रास्ता छोड़ो मेरा। मैं नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं छोड़ोगी? क्योंकि जो हरकत तुमने की है ना, उसका इल्जाम मेरे ऊपर लग रहा है। आमिर की मामा मेरे ऊपर शक करेंगे कि वो पासपोर्ट मैंने चोरी किया है। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो, मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं। देखो मेरी बात सुनो, अगर ज्यादा इल्जाम लगा ना मेरे ऊपर और सबने इसी तरीके से मेरे ऊपर बातें की, तो मैं ज्यादा देर तक चुप नहीं रहूंगी। नहीं नहीं, ये मत कहना। क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में? अच्छा, तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी फिक्र है, तो फिर दे दो ना पासपोर्ट वापस। वो तो मैं नहीं कर सकती। देखो मैं फिर से कह देती हूँ कि अगर मेरा नाम इस मामले में आया ना, तो मैं ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहूंगी। नहीं जारा, देखो तुम्हें आमिर की कसम, ये बात ना तुम किसी से कहना मत। आमिर की कसम? जब ना हम किसी के नाम की कसम खाते हैं ना, और वो कसम तोड़ दो तो वो बंदा ही मर जाता है। What rubbish? अपने पुत्र का घर नहीं वसाना चाहती? हे अम्मा जी, मैं भला इस तरह क्यों चाहवांगी? ते फिर तू अपनी हरकतां छड़ दे। तू की चाहनी है कि जारा इस घर च ना रहे, निकल जावे इत्थों? अम्मा जी, इक्को ही तो गल कीती सी मैं। एना वड्डा उहदे ते इल्जाम ला के कह रही है, तू एक गल कीती सी? ना ना, मैं इल्जाम नहीं लाया, मैं तो एवं शक जाहिर किया सी। माँ जी, जब आपकी और मेरी बात हो गई थी इस बारे में, तो जारा के सामने जिक्र करने की क्या जरूरत थी? बेचारी का इतना दिल दुखाया आपकी बात से, इतनी प्यारी खूबसूरत मेरी बीवी है, मैं नहीं देख सकता उसको ऐसे। तेनू इस गल का अफसोस है ना कि उन्हें यह गल बुरी लगी होनी है? ते अम्मा जी, यह बदतमीजी नहीं सी कि वो गल क्लियर कीते बगैर इधरों उठ के चली गई? और तू जो किता वो तमीज सी? देख ना, गल नूं कमाण दी कोशिश ना कर। मैं बच्ची नहीं है कि मैं समझा ना।